कि मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन स्वागत आव। प्रणाम मित्रों, हनुमान खंड काव्य का एक रोचक प्रसंग मैं लेकर के आया हूँ। जब विभीषण हनुमान जी से मिलते हैं लंका में तो विभीषण बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और हनुमान जी की वंदना करते हैं। वंदना का भाग आप तक मैं पहुंचाता हूं। विभीषण जी हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं, सुनिए। कि मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन स्वागत आव। बायर रुझान बड़ा मनवा मन धीर धरे नहीं धीर बनाव। कि मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन स्वागत आव। औ बायर रुझान बड़ा मनवा मन धीर धरे नहीं धीर बनाव। तो तारके तू सब ही तरल हमरो फुट ही भगिया के जगाव। कि तारके तू सब ही तरल हमरो फुट ही भगिया के जगाव। त रामक दूत है हनुमान त राम कृपाय हरौ बरसाव। कि रामक दूत है हनुमान तो राम कृपाय हरौ बरसाव। राम के दूत हैं तो हनुमान जी को ताव दिलाते हैं कि रामक दूत है हनुमान त राम कृपाय हरौ बरसाव। आगे कहते हैं विभीषण जी कि नाम तोहार बा संकट मोचन संकट काटी के दूर भगाव। कि नाम तोहार बा संकट मोचन तो संकट काटी के दूर भगाव। तो प्रेम क पालक अंजनी क बालक कि प्रेम क पालक अंजनी बालक भक्त पड़ा गोड़ वाप उठाव। तो तोरे भरोसे चले दुनिया हमरो बिगड़ी दुनिया के बनाव। कि तोरे भरोसे चले दुनिया हमरो बिगड़ी दुनिया के बनाव। त राम क दूत है हनुमान त राम कृपाय हरौ बरसाव। कि राम क दूत है हनुमान त राम कृपाय हरौ बरसाव। विभीषण जी आगे करते हैं हनुमान वंदना में, अपनी दशा बता रहे हैं कि राक्षस वंश में राम क दीप जराए है दियना के बचाव। कि राक्षस वंश में राम क दीप जराए है दियना के बचाव। औ आणे लुकाई लुकाई रटी बड़ पापी समाज बा पिंड छोड़ाव। कि आणे लुकाई लुकाई रटी बड़ पापी समाज बा पिंड छोड़ाव। तो सांसत में बा परान पड़ा बजरंग बली तो हई फरियाव। कि सांसत में बा परान पड़ा बजरंग बली तो हई फरियाव। त राम क दूत है हनुमान त राम कृपाय हरौ बरसाव। आगे हनुमान जी कहते हैं बड़ा मार्मिक बात कि राम दुलार मिला तोह के। कि राम दुलार मिला तोह के हनुमान तनी हम हूँ के दियाव। क्या बात है, कितने बाल स्वभाव से विभीषण जी निवेदन करते हैं हनुमान जी से कि राम दुलार मिला तोह के हनुमान तनी हम हूँ के दियाव। और राम रटे फेरी राम रटे थकिहारी रटे तनी का बतियाव। तय भगवान राम से बात करिए हनुमान जी कि हमको भी कृपा मिल जाए। बहुत ही प्यारा छंद कि राम दुलार मिला तोह के हनुमान तनी हम हूँ के दियाव। और राम रटे फेरी राम रटे थकिहार रटे तनी का बतियाव। तो जौने विधान से तू पवल कि जौने विधान से तू पवल वही राम के पावै क राह बताव। तो राम क दूत है हनुमान त राम कृपाय हरौ बरसाव। क्या बात है, क्या पावन भावना से विभीषण जी निवेदन करते हैं। अंत में विभीषण जी कहते हैं कि पूर्व जन्म का पुण्य रहा मिलल हम के अब नायल गाव। प्रभु मिले हो तो हनुमान जी हमसे अलग मत होना। कि पूर्व जन्म का पुण्य रहा मिलल हम के अब नायल गाव। और कौनो विधान कर हनुमान परान फसा अलहर तू बचाव। तो बाती बुताई चला भयवा तनिका भर नेह क तेल चुआव। कि बाती बुताई चला भयवा तनिका भर नेह क तेल चुआव। त राम क दूत है हनुमान त राम कृपाय हरौ बरसाव।
विभीषण की वंदना सुनकर हनुमान जी बहुत ही प्यारी बात कहते हैं। बड़ा ही अद्भुत छंद, भक्त और भगवान के संबंध को पराकाष्ठा तक ले जाने वाला छंद आपको रखता हूँ। रामचरितमानस में एक पंक्ति आती है कि सुनो विभीषण प्रभु के रीति करें सदा सेवक पर प्रीति। इसी भावभूमि पर छंद आपका मित्र धर्म प्रकाश मिश्र रखता है अपने हनुमान खंड काव्य से। भक्त और भगवान की पराकाष्ठा छंद देखिए। हनुमान जी कह रहे भीषण से, श्री राम का बड़ा बा कमजोरी जानी ल तू, श्री राम का बड़ा बा कमजोरी जानी ल तू, अपने से ढेर प्रिय ओन है निज दास बा। क्या बात है कि श्री राम का बड़ा बा कमजोरी जानी ल तू, अपने से ढेर प्रिय ओन है निज दास बा। और राम है भक्त न क भक्त बने राम बदे, एक दूसरे पे दुनहु क विश्वास बा। ये विश्वास रखना पड़ेगा भीषण। श्री राम क बड़ा बा कमजोरी जानी ल तू, अपने से ढेर प्रिय ओन है रामदास बा। और राम है भक्त न क भक्त बने राम बदे, एक दूसरे पे दुनहु क विश्वास बा। तो एक दूसरे पे दुनहु का विश्वास बा, तो वह विश्वास तो है मनवा में राख पड़े, वही से पूरन होए जौन तोर आस बा। वही विश्वास तो है मनवा में राख पड़े, वही से पूरन होए जौन तोर आस बा। काहे से कि प्रभु के महलिया में ताला जौन खोले वाली ताली खाली भगतन के पास बा। बोल दीजिए बजरंग बली की जय। बहुत ही पावन छंद, बहुत ही पावन सलाह भगवान हनुमान जी प्रभु राम को देते हैं। मित्रों इसी तरह मैं अपने हनुमान खंड काव्य का रोचक प्रसंग जितने हैं लगभग पूरा खंड काव्य आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप इसी तरह आशीर्वाद देते रहिए अपने धर्म प्रकाश मिश्र को। निवेदन फिर वही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए मित्रों, कमेंट कीजिए। ये कवि आपसे पारितोषिक स्वरूप मांग रहा है, इसके पीछे और कोई स्वार्थ नहीं है। आजकल स्वस्थ साहित्य का सृजन हो नहीं रहा है, आप संवर्धन करेंगे, मेरा समर्थन करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। सादर प्रणाम।